2015 में जब यूनाइटेड नेशंस ने सतत विकास लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा, तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने उन लक्ष्यों को 2030 तक पाने का संकल्प लिया। सतत विकास लक्ष्यों को देश की लगभग 68% वाले ग्रामीण भारत के धरातल पर उतारने में हमारी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायती राज मंत्रालय ने इन 17 सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण यानी LSDG के जरिए उन्हें 9 विषयों में समाहित किया है। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम पंचायतों ने LSDG के अलग अलग विषयों को अपने गांव में फलीभूत करने का संकल्प लेकर आगे कदम बढ़ाया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को भी वर्ष 2023 से LSDG के विषयों के आधार पर देना शुरू किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन भी बेहद जरूरी है, ताकि देश भर की पंचायतों का लेखा जोखा हासिल हो सके। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों को मापने के लिए पंचायत विकास सूचकांक के 144 स्थानीय लक्ष्य, 577 इंडिकेटर और 688 डाटा पॉइंट्स एक सटीक पैमाना है। LSDG की थीमों के आधार पर तैयार होने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में मापने वाले योग्य इंडिकेटर्स के साथ ही स्थानीय लक्ष्य निर्धारित करने और स्थानीय एक्शन प्लान बनाने में भी PDI की अहम भूमिका रहेगी। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए सभी सहयोगी विभागों, फील्ड ऑफिस, पंचायतों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए एक साथ एक पटल पर काम करने के लिए NIC के सहयोग से PDI पोर्टल तैयार किया गया है। ये पोर्टल PDI संबंधी सभी गतिविधियों को ऑनलाइन संपादित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। अब आइए जानते हैं उस प्रक्रिया को जिसके जरिए पंचायतें और अन्य हितधारक आसानी से पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पोर्टल पर कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले राज्य के PDI नोडल अधिकारी अपने राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे लाइन विभागों के अधिकारियों और उनके फील्ड ऑफिसर्स के साथ बैठक कर सभी डाटा पॉइंट के सोर्स, फील्ड ऑफिस व उनके द्वारा संधारित रजिस्टर का निर्धारण करेंगे। इसके बाद वे पोर्टल पर लॉगिन कर सभी डेटा पॉइंट्स का अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद, डेटा पॉइंट को किस मैदानी कार्यालय के किस रजिस्टर से प्राप्त करना है, डाटा पॉइंट प्राप्त करने संबंधी अन्य निर्देश पोर्टल पर दर्ज करेंगे। PDI संबंधी कार्य में पंचायतों को सहयोग करने हेतु फैसिलिटेटर की सेवाओं का भी प्रावधान किया जा सकता है। ब्लॉक PDI नोडल अधिकारी फैसिलिटेटर का पंजीयन कर उनको पोर्टल पर कार्य करने हेतु यूजर नाम जारी करेंगे व उनको कार्य करने हेतु ग्राम पंचायत आवंटित करेंगे। ब्लॉक PDI नोडल अधिकारी अपने ब्लॉक में विभिन्न सहयोगी विभागों के अधिकारियों का भी पंजीयन करेंगे। सहयोगी विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारी पंचायतों द्वारा दर्ज PDI के डेटा की समीक्षा एवं सत्यापन कर सही पाए जाने पर आगे अग्रेषित करेंगे। ग्राम पंचायत सचिव फैसिलिटेटर के माध्यम से सहयोगी विभागों, मैदानी कार्यालयों के अमले से समन्वय कर उस कार्यालय का डेटा प्राप्त करेंगे व पोर्टल पर दर्ज कर समीक्षा एवं सत्यापन हेतु ब्लॉक स्तर के कार्यालय को अग्रेषित करेंगे। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रहण और उस पर रिपोर्ट तैयार करना एक भागीरथी अभियान है। ये अभियान आने वाले कल में देश की पंचायतों के विकास के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। सभी राज्य पंचायती राज संस्थाएं इस अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि विकसित भारत की एक नई इबारत लिखी जा सके।